चंबा जिला के साथ लगते मुगला वार्ड में भारी बारिश और बादल फटने जैसे माहौल से यहां पर काफी नुकसान हुआ है। गनीमत यह रही कि यहां पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। प्रत्यक्ष दर्शकों का कहना है कि 4 बजे के करीब बारिश होने के बाद एकदम नाले से पानी होता हुआ लोगों को घरों में चला गया। मुगला शिव मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा मलबा चला गया, कई स्कूटी या बाइक पानी में बह गए। नाले में निकासी सही न होने की वजह से लोगों में काफ़ी रोष है। जब प्रशासन से इस बारे बात की गई तो उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि उच्च अधिकारियों को इसके बारे अवगत करा दिया गया है तथा जल्द ही नुकसान का आकलन किया जाएगा। आज कोई 4 बजे के करीब ना हाई पानी मतलब काफ़ी बारिश हुई। बारिश की वजह सिर्फ बारिश जो हुई है वो इसी स्पॉट पे हुई है, मतलब जो करियाँ और मतलब जो है मुगला के रोड पर ही। यहाँ पे बारिश होने की वजह से ऊपर से पानी सारा इकट्ठा होकर नीचे रोड पे आ गया, लेकिन रोड पे मेन निकासी ना होने की वजह से, मेन निकास नहीं है यहाँ पर क्योंकि NH द्वारा ये बनाया तो गया है, लेकिन ये भी निकासी ना होने की वजह से पानी सारा यहाँ पर रुक गया, खड़ा होकर पीछे भी पानी रुक गया। उस रुकने की वजह से पानी लोगों के घरों में गया और यहाँ पे एक मेन मंदिर है शिव जी का, वहाँ घुस गया पानी। मेन चीज़ यही है, बाकी तो नुकसान कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं है कि लोगों को दिक्कत ये आ रही है कि अब आने जाने में दिक्कत आ रही है। प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, पर अभी उनका काम लगा हुआ है। एक्चुअली वो काम जो है अंडर मतलब जो है कंसिडरेशन है, हो रहा है काम, हो सकता है कि वो बना दें, उनके उसमें होगा वो, ऐसा नहीं है। गाड़ी का फिलहाल तो यहाँ कोई स्कूटर का एक हुआ, कहते स्कूटर ऊपर से आया बह के, बाकी गाड़ी का कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, गाड़ी का कोई नुकसान नहीं है, बाकी जान माल का भी कोई नुकसान नहीं है, बाकी सब ठीक है। लेकिन एक इन फ्यूचर यहाँ पे मतलब अगर ड्रेनेज सिस्टम ठीक